बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो वी आर डूइंग डेरिवेटिव्स, इसमें हम आज बात करेंगे यूज़ ऑफ डेरिवेटिव्स इंटरनेशनली। एक हमारा और मॉड्यूल है डेरिवेटिव्स इन पाकिस्तान। आई अप्रिशिएट कि आप वो भी ज़रूर देखें एंड देन कंपेयर द स्ट्रक्चर के वहाँ पे हमारे पास क्या स्टेटस है एंड व्हाट्स हैपनिंग इंटरनेशनली। द ग्लोबल डेरिवेटिव मार्केट इज़ द मेन पिलर ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकॉनमी, यानी कि दे आर रिलाइंग हैविली ऑन दिस एरिया as an indispensable tool for risk management and investment purposes both. Derivatives are used by more than 94% of world largest companies. Jitni badi companies hain, uske agar aap unke financials dekhein, unke aap positions dekhein, to 95-94% of them are engaged and having derivatives. So ye ek important point hai, indicator hai ki kitni zyada utilization hai, kitna uska role hai. To ensure balanced exchange rates for goods traded internationally with different values of national currency, क्योंकि अब globalization इतनी हो गई हुई है, companies बहुत से मुल्कों से काम कर रही हैं, buying, selling और transactions, payments, flow much is there, so there are lot need for the hedging part. तो ये derivative उनको फिर facilitate करते हैं। Today derivatives are based upon wide variety of transaction and have many more uses, यानी कि बेतहाशा uses even for speculative earning, multiple purpose के लिए ये derivatives इस्तेमाल हो रहे हैं। There are even derivatives based on weather data. You'd be surprised कि weather की base पे भी derivatives exist कर रहे हैं, such as the amount of rain कितनी आएगी, उसमें forecasting and tools, number of sunny days in region. So it's very widespread, not just to just limited with shares. इसका यूटिलाइजेशन बहुत स्प्रेड आउट हो चुकी है। टू हेज द रिस्क, इन्वेस्टर कुड परचेज अ करेंसी डेरिवेटिव टू लॉग इन स्पेसिफाइड एक्सचेंज रेट, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ट्रांजैक्शंस बहुत हैं ग्लोबली, सो दे आर इज अ करेंसी रिस्क जिसको हेज करने के लिए डेरिवेटिव्स आर बीइंग यूज्ड। उसमें वो करेंसी के फ्यूचर, करेंसी स्वैप्स, डिफरेंट मोड्स को यूटिलाइज किया जाता है ग्लोबली। टू बी यूज बाय स्पेकुलेटर्स, अ स्पेकुलेटर हु एक्सपेक्ट यूरो, फॉर एग्जाम्पल आपका ख्याल है कि जी यूरो की प्राइस बढ़नी है एंड यू एंटर इन टू अ डेरीवेटिव विच थिंक्स एंड ऑन द एजम्पशन के यूरो प्राइस विल गो अप, सो यू आर मोर लाइक अ स्पेकुलेटर। स्पेकुलेटर एक नेगेटिव वर्ड भी होता है, बट इन द डेरीवेटिव मार्केट इफ यू आर नॉट हैविंग अ रियल नीड एंड यू एंटर इन टू अ पोजिशन टू गेन प्रॉफिट, इट इज़ रेफर टू एज स्पेकुलेटर। तो आपका ख्याल है कि यूरो ने बढ़ना है, आप पोजीशन में लॉन्ग हो जाएं और जैसे उसकी प्राइस इंक्रीज होगी तो यू विल गेट द बेनिफिट। व्हेन यूजिंग डेरिवेटिव टू स्पेकुलेट ऑन प्राइस मूवमेंट अंडर, द इन्वेस्टर डज नॉट नीड टू हैव होल्डिंग और द पोर्टफोलियो प्रेजेंस, उसको बैक एंड पे पोर्टफोलियो होना ज़रूरी नहीं है या रियल उसको यूरो की पेमेंट करनी ज़रूरी नहीं है या रिसीट आनी ज़रूरी नहीं है, दे कैन हैव अ पोजीशन जस्ट टू मेक प्रॉफिट्स। To protect against price changes, price की variations को save करने के लिए derivatives किए जाते हैं। International corporation and financial institutions use derivative to protect themselves from change in value of raw material. जैसे oil पे बहुत ज़्यादा काम होता है क्योंकि oil is raw material for many countries, तो उसको hedge करने के लिए multiple contracts are being done. Interest rates पे भी किए जाते हैं, तो it's a long list underlying जिसपे derivatives work करते हैं। Derivatives contribute to economic growth and increase the efficiency of market. ये बड़ा important point है कि market की efficiency को भी improve करते हैं, क्योंकि derivatives जो हैं price discovery की तरफ जाते हैं, यानी price की correction की तरफ जाते हैं। अगर बहुत कम trades होंगी तो prices can remain inefficient. But when there is a lot of derivatives and lot of people following, prices tends to improve very quickly. Further, they have very low overall transaction cost compared with investing directly. अगर आपने 1000 शेयर ख़रीदने हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी कंपनी के, जी आपने कहा मैं लकी सीमेंट का शेयर लेना चाहता हूँ, तो वो हाई बैंड का शेयर है तो आपको लाखों रुपए चाहिए, लेकिन आप उसके अगर फ्यूचर्स में जाना चाहें तो यू विल बी रिक्वायर्ड लेस ऑफ द मनी, या उसके डेरीवेटिव में जाएँ तो लेस मनी इज रिक्वायर्ड। अलाउ फास्ट प्रोडक्ट इनोवेशन बिकॉज न्यू कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इंट्रोड्यूस, इसमें नई इनोवेशन आती है। लास्टली कैन बी कस्टमाइज, नीड के मुताबिक कस्टमाइज कर दिए जाते हैं। थैंक यू।